वाह कितनी बड़ी है, कितने की बिकती है? उनका ट्रिप क्या? वाह भाई बहुत तगड़ी रुई है इसमें। गैस निकलता है और देख सकते हैं पाइपलाइन बनाया गया है, घरों घरों तो गैस पहुंचता है, आप देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? जैसे कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत ही बढ़िया होंगे। आज आपको लेकर आए हैं ऐसी जगह जो कि पाकिस्तान के सरहद पे भारत का आखिरी गाँव है, यानी कि पाकिस्तान का बॉर्डर पीछे आपको दिख रहा, अभी तो नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से मात्र 300-400 मीटर है, 400-500 मीटर होगा, मुश्किल से आधा किलोमीटर होगा यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर। तो काफी नजदीक है, यहाँ से मेरे को साफ साफ दिख रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं यही है बॉर्डर। और दोस्तों इस गांव के लोगों से पूछेंगे कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या उनको डर तो नहीं लगता है, यहाँ के लोगों से पूछेंगे, यहाँ की रहन सहन देखेंगे, क्या करते हैं, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। वहाँ टनल चल रहा है और रोड भी मस्त है और नालियाँ भी यहाँ पे काफी मस्त बनी हुई है, देख सकते हैं। तो इतना विकास यहाँ पर कार्य हुआ है। अब इसको, ये गांव का नाम है दनवा कलां। और भाई सब बढ़िया? हेलो 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 भाई, यहाँ पर दोस्तों कुछ बकरियाँ चरा रहे हैं, मैं इनसे बात करवाता हूँ आपको। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बकरियाँ, बहुत लंबी लंबी बकरियाँ हैं, आपको देख कर शौक होगा भाई, पहली बार मैं देखा यार, ये देखो ये बकरियाँ, वाह कितनी बड़ी है, देख सकते हैं आप लोग भाई, ये तो लग रही है क्या बोलते हैं ना, ये तो भाई एक तरह से शेर की तरह लग रहा है, शेर की तरह भाई, ऐसा मैं पहली बार देखा। बाबा जी आपका आपका क्या नाम है? छोटू। क्या? छोटू। छोटू 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 इधर है, इधर है ये। आपका क्या नाम है? छोटू। ये बकरियां है? अच्छा ठीक है, ये बकरी आपका है भाई? एक मिनट एक मिनट, ये बकरी के मालिक से बात करते हैं। अरे भाई आओ ना, तुम बात करो ना, कुछ नहीं होगा भाई, नाम पूछेंगे कुछ, सिर्फ नाम पूछेंगे। अरे भाई यार तुमसे नाम पूछेंगे बस यार, वो भाई साहब वीडियो में नहीं आना चाह रहे हैं। और ताओ ये जो बकरी है, ये बड़ी बड़ी बकरी कितने की बिकती है? उनका ट्रिप क्या? वो मालिक है भाई। ये बकरी कितने की बिकती है बड़ी बड़ी? 10,000 20,000 एक का दाम है भाई। ये जो बकरियां है ये खस्सी है, बकड़ा बकड़ा है ये, और ये एक का दाम होता है 20,000 रुपए, 20-25 हजार का एक, 20-25 हजार एक बकरी का दाम होता है। और यहाँ भेड़ भी है, भेड़, ये भेड़ भाई कितने का बिकता है? 5-6 हजार की। इसकी रुई निकाल दो, रुई, वाह भाई बहुत तगड़ी रुई है इसमें। तो दोस्तों बताना कैसा लगा यहाँ की बकरी देखकर, और पाकिस्तान के सरहद के सबसे आखिरी गांव में हम हैं, अभी खेत में आए, अभी तो गांव घूमना बाकी है। और हमारे साथ एक दो भाई जुड़ चुके हैं। भाई जी आपका नाम? क्या नाम है? बाबू सिंह तनवा। बाबू सिंह तनवा, मिलकर अच्छा लगा भाई। अभी हमें गांव घुमाओगे आप? अभी गांव घुमाएंगे भाई, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, अभी सब दिखाएंगे आपके भाई से चलते हैं। जी जी, आप खेती बाड़ी करते हैं? कितना खेत है भाई आपके पास? 200 किला है इनके पास, 100 किला। अच्छा लगा, चलते हैं भाई। भाई जी मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये जो बकरियाँ हैं भाई, ये बकरियाँ बड़ी बड़ी बकरियाँ मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई, इतनी बड़ी बकरियाँ मेरे गांव में तो भाई इतनी इतनी होती है, तो ये कितने का बिकता है भाई? एक ये एक? हाँ ये तो 15-20 हजार का। 20,000 यानी है ना भाई, 20,000 एक बकरी का दाम ऐसा होता है? ये ताऊ बहुत ज्यादा हंस रहे हैं, ये ताऊ बहुत ज्यादा हंस रहे हैं, बहुत ज्यादा। चलो भाई, और भाई यहाँ पर आप बताओ, ये भाई शर्मा रहे हैं, आपका नाम जी? मेरा नाम शर्म सिंह। अच्छा शर्म सिंह, चलते हैं आपके गांव, चलते हैं अभी हम, अभी सबको दिखाएंगे, सबसे मिलवाएंगे। ठीक है भाई, को बात। और आपका नाम जी? बलदेव सिंह। ये एक बकरी है, एक तो तेल के लिए पांच बकरी, इनकी भी 5 बकरियां हैं। अच्छा लगा भाई जी, चलते हैं आपके गांव, देखते हैं कैसा गांव। चलिए भाई जी, आपका नाम मैं भूल गया भाई जी। अरे बाबू सिंह नाम है मेरा। बाबू सिंह, इनकी हंसी देख कर हमें तो बहुत हंसी आ रही है, बहुत बढ़िया। ये बात, इनके पास बंदूकें हैं भाई, इनसे बच के रहना, इनके पास बंदूकें हैं, ये देखो बंदूकें निकाल रही है। दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं इनके गांव घूमने के लिए, और ये भाई मिले थे, उन्होंने बिठा लिया है, हम ऐसे ही लोग की तलाश कर रहे थे जो कि हमें गांव घुमाए। थैंक यू सो मच भाई जी।
अभी देखते हैं क्या कुछ इनके गांव में है। फाइनली पहुंच चुके हैं गांव। वीडियो में बने रहिए, दिखाते हैं आपको, बहुत कुछ दिखाएंगे। अभी ये भाई है, इनके घर अभी आ चुके हैं। 33 नंबर इनका घर है, 33 नंबर है ना, 33 नंबर। हाँ, और ये माता जी है। हाँ, मम्मी जी। माता जी सत श्री अकाल, प्रणाम। ये भाई है। और भाई आपका शुभ नाम क्या नाम है आपका? गुरलाल जी है। माता जी से भी एक सवाल करेंगे। माता जी, ये जो आपका गांव है, ये पाकिस्तान के बहुत सबसे आखिरी, पाकिस्तान के पास सबसे आखिरी गांव है, तो आपको लोग को यहाँ पे डर नहीं लगता है कि पाकिस्तान पास में है, अटैक कर देगा कभी? नहीं डर। चले बढ़िया लगा भाई, हिम्मत रहना चाहिए भाई। हमारे तो बच्चे भी देख लो ऐसे डरेंगे नहीं। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? सत्यकाल। सत्यकाल। तो दोस्तों, इस गांव के खेत में आ चुके हमारे साथ भाई हैं, जैसे कि आप उसको पहचानते होंगे। और हमें यहाँ पर दिखा है, ये देखो इस टाइप की भाई ये होती है बोरिंग। भाई जी आप बताएं कि ये पानी ये क्या है और ये क्या है, कहाँ से निकलता है पानी इसमें? देखो भाई, यहाँ से अब खोलेंगे इसको। हाँ, पानी निकलेगा, अपने आप निकलेगा पानी, खोल देंगे तो? हाँ, इसको खोलेंगे तो वो निकलेगा। अच्छा, ठीक है। और अगर जो ओवरफ्लोड पानी है ना, मतलब तो ओवर हो रहा है, यू इसके बाहर आएगा। अगर अगला ढक्कन बंद कर देगा ना, यू इसको ये बंद है, इसको खोल दिया, अगला खुला नहीं है। हाँ, तो अगर खुला नहीं तो जल्दी जल्दी पानी बाहर इसके बाहर आ जाएगा, खराब हो जाएगा। अच्छा, फट जाएगी लाइन, फट जाएगी ना। अच्छा, अच्छा। खराब हो जाएगी कहीं। हाँ, दूसरी जगह से लीक हो जाएगी, इधर से लीक हो जाएगी। अगर इसको खोल दिया, पहले उसको खोलो, फिर इसको खोलो, फिर इसको बंद करो, अगले। बिल्कुल बिल्कुल भाई जी, बढ़िया लगा। ऐसा है। अच्छा जी, अब कस क्यों दिया इसको? देखो दोबारा खोलना पड़ेगा, खुल जाएगा इसका। कोई बात नहीं, मैं तो खोल दूंगा। आप नहीं खोलेंगे तो मैं खोल दूंगा। खुलने से क्या होगा भाई इसमें? अरे खुलने में ऐसा है, अगर यहाँ से बंद किया तो उधर खुल गया तो पाइपलाइन फट जाएगी भाई। अच्छा, सारी की सारी खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, दोबारा पैसा लगाना पड़ेगा। कहाँ से लगाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पंजाब सरकार क्या दे रही है? कुछ भी नहीं, ना तो बिहार ना पंजाब, कुछ भी नहीं है। तो ये पंजाबी ऐसे मर रहे हैं दिहाड़ी कर करके। भाई यहाँ पर ये ढीला इसलिए किया गया है ऊपर कि पानी का प्रेशर जब आएगा तो ये अपने आप पानी निकल जाएगा इस साइड से। आप देख सकते हैं पानी इसमें भरा हुआ है, अंदर देख सकते हैं आप। हमने इसको अभी टाइट कर दिया था, एक मिनट, हमने इसको टाइट कर दिया था, जिसके कारण से अगर ये ऊपर पानी नहीं निकलता तो ये पाइपलाइन फट जाता ना भाई, फट जाता। दोनों तरफ से बंद होता तो फट जाता। ऐसे आ जाना अपने आप, अच्छा, यानी कि जब ये प्रेशर में आएगा तो अपने आप ये ऐसा उठ जाएगा ना। हाँ, उठ जाएगा ये अपने। जब पानी प्रेशर में, भाई पानी प्रेशर में क्या होता है, कुछ चलाना पड़ता है नल वगैरह? आपको हाँ वो अच्छा वो बड़े बड़े ऊपर से पानी आ रहा था, जो आप कह रहे थे ना, पानी क्यों नहीं आ रहा, ये पानी कैसे आ रहा है, फालतू पानी क्यों आ रहा है, इसलिए तो आ रहा था वो। अच्छा, अब समझ में आया दोस्तों। वहाँ से उधर कुछ चलाने वाला वो बड़ा सा टैंक है, और मतलब कि बड़ा सा मतलब मोटर है, बहुत बड़ा मोटर है, वो चलेगा तो इससे पानी आएगी। तो ये जो ये ढीला इसलिए रखा गया है कि ताकि ये ऊपर ऐसे उठ जाए और पानी निकलने लगे। अगर ये अगर नहीं, अगर, तो अगर, अगर अगर इसको हम कस देंगे, यहाँ तक मैंने कस दिया था गलती से, कस देंगे तो फट जाएगा, है ना भाई? चलो समझ में आ गया भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं कोई गलत। और इससे क्या होता है इसके, इससे देख, इससे ये हवा के लिए। अच्छा, ये हवा ना निकली, ये हवा के लिए भाई, इन्हें फट जाना चाहिए। अच्छा अच्छा जी, दोस्तों यहाँ पर भैंसे हैं, देख सकते हैं आप, थोड़ा जोर से बोलिएगा ठीक है। यहाँ पर भैंसे भी हैं, जो कि हमारे बिहार में तो बहुत सारी भैंसे रहती है, हालांकि पंजाब के लोग भी भैंस बहुत ज्यादा पालते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई? अरे भाई देखो, भैंसे अच्छी है। हाँ, कितनी दूध देती होंगी भाई ये सब भैंसे? ये भाई 10-10 लीटर देते हैं। एक भैंस 10 लीटर दूध? हाँ, 5 किलो सुबह, 5 किलो शाम। वाओ, क्या बात है भाई, ज्यादा भी देती है। हालांकि चेहरे भी बहुत अच्छे हैं भैंस के, देखो वो गायों को देख रहे हो? हाँ, उधर गाय भी है, हालांकि ये भैंस काफी अच्छा लगा। अच्छा। गाय तो सब जगह रहता है देश में, लेकिन भैंस बहुत कम जगह। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर पीना तो भी नहीं 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 क्या भाई बोल रहे, पीना है तो पी लो, कोई बात नहीं, देते हैं ऐसे। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच भाई, चलते हैं। और गैस के बारे में देखोगे? किस के बारे में? जो गैस होता है, जो गैस मतलब सिलेंडर, लोग सिलेंडर भरवाते हैं ना। हाँ हाँ, या पंजाब में तो लोकल गैस भी चलते हैं दूसरी। अच्छा, दिखाए दिखाए, चला चले चलिए, आइए हम दिखाते हैं आपको। वाओ भाई, वो देखो जो। अच्छा ठीक है,
इसके बारे में जानकारी रखो ना। वाह क्या बात है भाई, हम लोग जो यूपी बिहार में गैस मतलब खरीदते हैं, ये देखो यहाँ का मैकेनिक किस तरह से लोग गैस बनाते हैं। देख भैया ये कैसे होता है भाई, ये मतलब गोबर से गैस बनाएगा? जैसे गोबर है ना, भैंस का गोबर लेते हैं, हाँ हाँ, इसको घोलते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पर घोलते हैं ना। वहाँ देखो गड्ढा खोद रखा कितना बड़ा। अच्छा हाँ, देखो इसके जहाँ आप तुम लोग रुक चुके हो ना, ये इसके नीचे गड्ढा बहुत ज्यादा बढ़िया है। अच्छा यहाँ बड़े वाला गड्ढा है। ओहो, ऐसा मतलब यहाँ जो रुके हैं, ये जो आपको हम दिख रहे हैं, हाँ। इसके अंदर बहुत बड़ा गड्ढा है दोस्तों। अगर हम लोग और नीचे चले जाए ना तो हम कब बाहर कब आएंगे? नहीं आ पाएंगे, वो दलदल है ना, इतना बड़ा दलदल है। वाओ ठीक है, इतना बड़ा दलदल है, यहाँ से गैस बन मतलब बन गया ना गैस, यहाँ से गैस बांध के घर पे जा रहा है सीधा, ये पाइपलाइन बनी। और दोस्तों देख सकते यहाँ पर घोल के इसमें मतलब कि इसमें घोल दिया, उधर चला गया, उसमें अंदर मतलब कि इसके द्वारा अंदर इसके अंदर जमीन के अंदर चला जाता है और अंदर से गैस बनता है। हाँ, गैस और ये हाँ। यहाँ से देखो गैस निकलता है, इसके द्वारा गैस निकलता है और देख सकते हैं पाइपलाइन बनाया गया है और पाइपलाइन के द्वारा घरों घरों तो गैस पहुँचता है। आप देख सकते हैं दो पाइप देखो, दोनों जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं और घर में जा रहे हैं। ये लोग गैस खरीदते नहीं, खुद से गैस बनाते, ये बहुत अच्छा लगा भाई। ठीक है, आप लोग गैस खरीदते नहीं भैया ना, ज्यादा खरीदते नहीं, मतलब कि ये खुद से गैस बनाते हैं ना, खुद की गैस बनाते बड़े लोग। इस गैस को क्या कहते हैं? इसको गैस का गोबर गैस, गोबर गैस। इससे जलती है मतलब कि जलावन होता, मतलब कि गैस से जलता है, खाना बनता है इससे? हाँ, बन, बढ़िया। वाह बहुत बढ़िया, इसको गोबर गैस बोलते हैं। तो ये गैस मतलब जलता है ना आग में, आग जलता है इससे? हाँ हाँ, चाहे तो आदमी सड़ जाए। बढ़िया है भाई जी, काफी ये सिस्टमेटिक काफी अच्छा लगा। हमारे यूपी बिहार में भी ये गाँव के लोगों को जानने चाहिए और ये करने चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पाइपलाइन बिछाया गया है और जा रहा है घर में गैस, और यहाँ पर गोबर को घोल कर डाला जाता है इसके अंदर गोबर, और गोबर जो है ना वो गोबर गैस पैदा होती है अंदर से, मतलब अंदर में वो बहुत ज़्यादा गोबर होने के कारण गैस बनती है। जो बेकार हो जाए ना गोबर, जब गैस खत्म होती है मतलब बेकार जो हो रहा है बाहर जा रहा है। अच्छा गोबर जो बेकार हो गया वो अपने आप यहाँ पर यहाँ से बाहर जाता है ना, बाहर जाता अपने आप, ये देखो यहाँ से बाहर निकल रहा है गोबर अपने आप। वाह बहुत बढ़िया, बेकार हो जाता है जो ऐसे बाहर जाएगा। अच्छा बहुत बढ़िया भाई, चलते हैं। चलो तो दोस्तों देखा आपने गोबर से कैसे ये लोग गांव के लोग गैस बनाते हैं। पाकिस्तान सरहद का सबसे आखिरी गांव है, पाकिस्तान सरहद पर भारत का सबसे आखिरी गांव है ये, और यहां पर कितने एडवांस लोग हैं, गोबर से गैस बनाते हैं और उसको यूज करते हैं जलावन के लिए। कितनी अच्छी बात है भाई, यहाँ पर गैस बहुत कम खरीदते हैं लोग इस गाँव में, खासकर अभी मैं इस गाँव में हूँ, हो सकता है ये और भी जो गाँव में होगा होगा ही भाई, ऑलमोस्ट यहाँ पर है तो सभी लोग इसका उपयोग करते होंगे। अच्छी बात है भाई, ये चीज़ें सभी जगह होनी चाहिए भाई। जो लोग मवेशी पालते हैं, गाय भैंस पालते हैं, उनको ये चीज़ें करनी चाहिए। बहुत कम लोग हैं, हाँ यूपी बिहार में बहुत गाय भैंस पालते हैं लेकिन ये चीज़ें उपयोग नहीं करते हैं। अच्छा इतने लोग के पास पशु हैं लेकिन ऐसा है कि लेकिन पूरे लोग ये ऐसा करने लगे तो गैस का तो बिजनेस खत्म कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ऐसा है, बढ़िया है भाई, हाँ सही बात है। और वहाँ पर भी वो जो घर दिख रहा है उसमें भी पाइप हमको दिख रहा है लगा हुआ, तो यानी कि पास कम है ना। हाँ हाँ सब लोगों के वैसे हैं, वैसे तो बताना दोस्तों कैसा लगा। दोस्तों पंजाब के खेत की खूबसूरती मैं दिखाने के लिए आया हूँ और यहाँ पर नल लगा हुआ है, नल इसको नल बोलते हैं, हालांकि बिहार यूपी में इसको बोलते हैं मोटर, बड़ा मोटर है ये। यहाँ देख सकते हैं आप खेत की सिंचाई इस प्रकार से होती है, और ये बड़ा सा ट्यूब चल रहा है, मोटर चल रहा है और पानी जा रही है और लोग उधर सिंचाई कर रहे हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, वीडियो में देखिए यहाँ से पानी आ रही है और सीधा पानी इसी के द्वारा जा रही है एकदम, और दोनों साइड से क्यारी बनाया हुआ है, दोनों साइड से आड़ बना हुआ है, आड़ में सीधा पानी जा रही है और लोग इसी नाले के सहारे सिंचाई कर रहे हैं खेत की। उधर किसान देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा लगा भाई जी। मजा आ गया दोस्तों। और जी आपका नाम क्या हुआ जी? प्रगट सिंह जी। प्रगट सिंह, हाँ। सिंचाई करने में दिक्कत तो नहीं आता यहाँ पे आपको? पसाना को मजबूरी तंगी होनी होती नहीं, बढ़िया बढ़िया है। हाँ। बढ़िया है जी, मतलब पानी वहाँ से चल रहा है और हाँ।
इस साइड से सीधे वहाँ जा रही है पानी, है ना। और जहाँ पर लेना हो वहाँ पर काटते हैं उसको ना। जहाँ पर मान लीजिए इसमें, मान लीजिए इसमें हमको पानी लेना है तो यहाँ पर कट कर देंगे। हाँ, काट के गाड़ी में बांध देंगे। अच्छा, यहाँ से काट के दूसरे बांध देंगे। हाँ, समझ गया, समझ पनीर हुई। और यहाँ पर ये असली किसान दिख रहे हैं जी। आपका शुभ नाम जी? रेंका जी। क्या नाम हुआ आपका? रेंका जी। रेंका जी, हाँ जी। वाह, आप खेत की सिंचाई कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया तरीका है सिंचाई करने का, अच्छा लगा। आपका खेत किधर है? उधर है। आप उसमें खेत में आपने क्या लगाया है? अभी तो भर रहे हैं पट्टे, ग्वार बीजेंगे। अच्छा, वाह बढ़िया लगा जी। हाथ भी लाइए आप। अब इसे किसान से मिलकर अच्छा लगा, देख सकते हैं आपके इनके कुदार इनके कंधे पर है, अच्छा लगा। चलिए चलते हैं। तो ये है मोटर और यहाँ से पानी निकल रही है, और ये यहाँ से पानी निकल रहा है, और ये सिंचाई करने का ये तरीका हमें काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि बिहार और यूपी में, मैं भी बिहार में, तो खास करके जब सिंचाई करते हैं तो वहाँ फीते की ज़रूरत होती है, फीते। यहाँ पर फीते की ज़रूरत नहीं है, पानी जा रही है और सबके खेत में, सबके खेतों में पानी यहाँ से पहुँच सकता है। ऐसा यहाँ पर रूल बनाया गया, ऐसा यहाँ पर क्यारी नाला बनाया गया है ताकि सबके खेतों तक पानी पहुंच सके और फीते की कोई जरूरत नहीं है। और बाबा जी, सत श्री अकाल जी, कैसी जिंदगी चल रही है? सब ठीक है? बाबा जी आपका नाम क्या है? भगत सिंह। भगत सिंह, वाह बहुत बढ़िया। दोस्तों कमेंट करके बताना कैसा लगा ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल बने तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इस टाइप के ट्रैवल व्लॉग्स देखना पसंद हो तो प्लीज बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुंच जाए और आप देख पाए और आप हमें सपोर्ट भी कर पाए। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।